अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूजियम से ज़िया मोहुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। शकील साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए ज़िया साहब, आजकल कैसे टाइम गुजरता है? बस क्या, कराची में अब तो मुझे चहलकदमी से डर बहुत लगता है, क्योंकि कराची के हालात आपको पता है यार, हालात कब अच्छे होंगे, कब मैं खुली फिजाओं में सांस लूंगा, कब मैं बेधड़क अपने दो दो फोन हाथ में लिए शोर मचाऊंगा कि कोई है जो मुझसे ये फोन छीने। वो चाचू जी तुसी हुणे ही कहो मशीन लेना। उन्होंने कितनी अच्छी बात की, कराची के हालात बबू साहब वैसे बड़े, अल्लाह ने चाहा तो ठीक होंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी ठीक होंगे। वैसे ये बात लाहौर में भी मत कहिए, पता ना चाचा क्रिकेट की जेब कट गई थी जी सर, पीएसएल के पहले दिन जी, तो लेकिन चले वो तो सर जेब कटी ना, दिन दहाड़े सरेआम तो नहीं हो रहा ना जैसे कराची में हो रहा है। मेरा एक फोन लाहौर में छीना गया था। इस स्टे में या पुरानी बात कर रहे हैं? थोड़ी सी पुरानी बात है, 2 years ago मैं एक पेट्रोल पंप पे था, टैक्सी का इंतजार कर रहा था, दो मोटरसाइकिल पे आए नौजवान और बगैर असले के वो छीन के चले। तो आप मुझसे पहले कहते कि दिखाइए असला फिर मैं देता हूँ, ये क्या बात है? उन्होंने पूछा ही नहीं। वैसे मियां इस बार सोचा है कोई फोन छीनने मेरी तरफ आया ना, मैंने चक्की काट लेनी है। आज तो पप्पू बोल पड़े जी। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद अवान। जावेद साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? चकवाल से। अच्छा जावेद साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नो। ताल्लुक अमेरिका से? नो सर। बरतानिया से? नो सर। यूरोप से? यस सर। इरा पे चले? इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। 72 के बाद? 1972 के बाद। तो शोबे पे चले? मुल्क पे चले। सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है? नो सर। सदरन यूरोप से ताल्लुक है? यस सर। इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल? ताल्लुक स्पेन से है? नो सर। इटली से? यस सर। 11 सवाल। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। एक बड़ा मशहूर म्यूजिशियन था उनका। यानी एक्चुअली वाज अ ग्रीक, ही वर्कड इन इटली। और यानी हम कर भी चुके नहीं, कोई और था वो, ही डाइड मे बी 10-15 इयर्स अगो। शोबिज? ताल्लुक शोबिज से है भैया? नो सर। नो, सियासत और हुकूमत से नहीं है, शोबिज से नहीं है, इल्म फजल से ही हो सकता। यस, इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। इल्म फजल से भी नहीं। 14 क्वेश्चंस। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स तो हो गया नहीं, क्यों जी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? नो सर। साइंस टेक्नोलॉजी में पुराने लोग हैं इनके, अभी तो स्पोर्ट्स की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है? है पर वजह शोहरत नहीं है। स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक पर वजह शोहरत नहीं है। फुटबॉल कोई ऐसा जो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स तो ना कहा, रोजी नहीं। रोजी था, बहुत बड़ा फुटबॉलर, वर्ल्ड कप जीता था, उसमें उसका बड़ा रोल था, और लेकिन उसकी वजह शोहरत तो सिर्फ यही थी, सिर्फ यही थी। कितने सवाल हुए जी? सिर्फ 16 सवाल हैं। स्पोर्ट्स कौन सी भाई? इटालियंस किस में? फुटबॉल के अलावा शूटिंग टैप, रेसिंग टैप, स्कीट शूट भी थी, फैशन आइकॉन। फैशन तो, और फैशन का मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो फिर उसका मॉडल बन गया, कोई ब्रांड एम्बेसडर बन गया। स्पोर्ट्स तो कल फिटर बन गए, जैसे वहाँ की कार रेसिंग हो सकती है। हाँ, क्या जो चलाता था, जो इटली का रूमाकर था, फरारी, क्या नाम था उसका? एंजो फरारी। एंजो? एंजो फरारी। एंजो फरारी। इटली का फरारी डाइड इन 90s, मिड 90s, लेट 80s, अर्ली 90s में। हाँ, अर्ली 90s, ये है। और इसने तो वो भी किया था फरारी का इंजन डिज़ाइन करने में,
उसने रोल प्ले किया था एंड ये गाड़ी उसके नाम पे, पता नहीं अब ये एंटरप्रेन्योर भी था, ये उसका ओनर था, और एनी स्पोर्ट्स हमारे जहन में कुछ स्पोर्ट्स जो इटली से मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल और इसके अलावा तो कोई इटालियन रेसिंग, सर रेसिंग कार भी है, अगर कार रेसिंग तो है तो सिर्फ फरारी है, फरारी है। अच्छा जावेद साहब, कोई मेक इसके नाम पे? यस, आपने एंजो फरारी पूछा है। बिल्कुल सर। एंजो फरारी, क्या कहना। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं जी मोहसिन बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। वेल, आई एम गुड, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन बुखारी साहब ने लास्ट टाइम एक इंतहाई आसान शख्सियत के बावजूद हमें मुसीबत में डाल दिया। जी जी, जी हमेशा यासर अरफात जी, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं एक कोई खुशकिस्मती थी हमारी, वरना बेशुमार हारे हैं। लेकिन बाज ऐसी शख्सियात जिन पर बेपनाह डिप्रेशन होती, जैसे एक अमानुल्लाह था। हाँ जी, हाँ जी। अमानुल्लाह की शख्सियत हाथ से निकल चुकी थी ऑलमोस्ट, सर गंगाराम ऑलमोस्ट, हाँ जी, और एक वहीदुद्दीन खान जी दिल्ली वाले। जी सर, ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस डिप्रेशन से बचा। एक आध और भी है, यासर अरफात तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तक जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गए थे भैया, अनवर सादात के पीछे पड़े हुए हैं, हम फैसल के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन सम होता है बाज़ औक़ात। चलिए जी जी, बुखारी साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वारसाम शख्सियत मर्द? नहीं सर। अरे खातून, खातून जिंदा? हाँ जी बिल्कुल। वाह इंटरेस्टिंग, ये खातून जो जिंदा है, एशियाई? जी बिल्कुल। साउथ एशिया? बिल्कुल। एक जिंदा खातून जिसका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान में से, ये भी हो सकता है बांग्लादेश भी हो सकता है, खालदा ज़िया फॉर एग्जांपल। व्हाई नॉट हसीना वाजिद, व्हाई आर यू सो अगेंस्ट हर? नो, ही वुड नॉट आस्क द प्राइम मिनिस्टर, वो तो ऑब्वियस हो जाएगा ना। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो टू ऑब्वियस। बाय द वे इंडिया से शुरू करते हैं, इंडिया से ताल्लुक? नहीं सर। पाकिस्तान से कर लें। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी बिल्कुल। शोभा की तरफ आए, कैन बी अ राइटर, journalist, can be a showbiz personality, an actress, can be a TV artist. अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक इल्म और फजल से है? नहीं सर। ताल्लुक शोबिज से है? जी सर। शोबिज की मतलब खवातीन सर, एक महविश हयात हैं, एक नीलम मुनीर हैं, एक वो भी तो है जिसने शाहरुख की उस बर्बाद फिल्म में काम किया था, रईस में, रईस माहिरा, माहिरा खान। कोई सिंगर भी हो सकती है, तो एक्टिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग, सिंगिंग। कितने क्वेश्चंस हुए? 8 सवाल। वजह शोहरत? होस्टिंग ज्यादा चांस है। होस्टिंग में आपके जहन में कौन है? निदा यासर है, दूसरी नादिया है, शाइस्ता भी है, एक शाइस्ता भी होती थी, एक वो बलोच, सनम बलोच, इज वेरी गुड। मेहर बुखारी? मेहर बुखारी सर वो शोबिज नहीं है। जुगन काजिम? कमल नसीर हो सकती है, शी इज डेड। कमल नसीर फौत? आई थिंक कमल नसीर इज डेड। वो एक बड़ा नाम था। वजह शोहरत होस्टिंग है जी? नो सर। हेलो, ऑल आउट, सारी गई जुगन बुगन सब। एक्टिंग का पूछ के सर वो भी इजी करें फिर। सिंगर भी हो सकती है, कोई आयमा बेग जैसी कोई। ओहो, शी इज अ बिग नेम दीस डेज। यस जी, शी इज आयमा बेग। वो भी हो सकती है, ये जो बड़ी मशहूर सिंगर है सिंध की, आबदा परवीन। आबदा परवीन भी हो सकती है, नसीबोलाल भी हो सकती है, वो जो राजिया खुश्क भी हो सकती है। राजिया खुश्क का इतना वो नहीं है, नहीं लेकिन स्टेचर, ये दोनों बहुत बड़े स्टेचर के मालिक हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खला जो था ना मैडम नूरजहां के बाद, बड़ी हद तक इन दोनों ने, गो के इनकी फील्ड, इनका वो मामला जरा डिफरेंट था। आबिदा जी तो सूफी, सूफी है लेकिन सिंगर तो कमाल की है। क्या बात है,
और ये भी बहुत अच्छी सिंगर है नसीबोलाल। उसकी बदकिस्मती है कि उस वक्त आई जब फिल्म बिल्कुल रूबजवाल थी, वरना आवाज में बहुत पोटेंशियल बहुत और मिलती भी है आवाज जो है ना। तो फिर एज से भी हम कर सकते हैं अगर सिंगिंग में है तो। म्यूजिक से ताल्लुक है भैया? जी सर बिल्कुल। गुड क्वेश्चन। ताल्लुक सुबह पंजाब से है? नहीं सर। सूफी मोस्ट प्रोबेबली आबदा परवीन। हाँ जी। शोहरत सूफी कलाम से पाई? जी सर बिल्कुल। ताल्लुक सुबह सिंध से है? बिल्कुल। रिसेंटली इनका एक डुएट नसीबोलाल के साथ सुपर हिट हुआ? हाँ जी सर। ये आपने आबदा परवीन पूछी है जी सर। तो हमारी अगली पर्सनालिटी इज एन इन हाउस चैलेंजर अरहम जुनेद मौजूद हैं। जी अरहम जुनेद बड़ी देर से रो में थे लेकिन टाइम नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे गेस्ट्स और पेटर्न्स जो हैं वो इतने ज़्यादा थे, कोई ना कोई ख़ास तौर पे ओवरसीज जी वो इनकी जगह ले लेते थे। तो आज तौन वकरहन मैंने इजाज़त दी है। अरहम आपके साथ कौन है? मेरे फ्रेंड है उस्मान, इनका नाम है, FC कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और साथ काम भी करते हैं। अच्छा जी सुभान साहब, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यस। शोभा? अब आ जाइए शोभे की तरफ। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है भैया? नो। शोबिज से ताल्लुक? नो। इल्म व फजल से? जी। इंतकाल को? 20 साल, 25 साल, मे बी 50 साल, मे बी 5 साल, मे बी 10 साल। 50 का अगर हम पूछें तो 25। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है भैया? यस। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 22 और 97 के बीच की शख्सियत? तो कोई राइटर? राइटर ही हो सकता। कोई फिलोसोफर भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। राइटर पे ही नैरो डाउन कर। या अगर फिलोसोफर है तो विल ड्यूरांट टाइप बंदा भी हो सकता है। बिल्कुल। राइटर से ही शुरू करें। राइटर है जी कोई? बी है। बी है विल ड्यूरांट तो फलसफी हिस्टोरियन, हिस्टोरियन भी था वो और बहुत कुछ था, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ही वॉज अ रिसर्चर, फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड अ राइटर। बुनियादी तौर पर ही वॉज राइटर। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जाए? यस। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इनकी तसनीफ है? यस। क्या सोच के फिर आप आए थे? कोई बात नहीं, इतने दिन बाद आपने मौका दिया है, बड़ी बात। लास्ट टाइम इसने बहुत तंग किया था हमें। Van Gogh? Oh yes. वे उन्होंने वो भी जा दी। भाईजान आपने विल दोराम पूछा है। Yes sir. बहुत शानदार फिलोसोफर एंड राइटर। वाह जी। बहुत बड़ा हिस्टोरियन। और हमेशा हम तस्करा करते हैं एरियल दोरान का। अपनी बेगम की मदद से इसने बहुत कुछ लिखा, बहुत तरक्की की, लेकिन ये जो 11 वॉल्यूम्स में उसकी एक किताब उसे इमॉर्टलाइज कर गई है। वेरी गुड पर्सनालिटी अरहम। वाह जी वाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला रहमान। अब्दुल्ला साहब आपके साथ कौन है? मेरी बहन है। उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, उनका क्या नाम है? उफक रहमान। उफक, अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। अब्दुल्ला शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? भी है। अमेरिका से भी है। दूसरा ताल्लुक ये डिटरमिन करना पड़ेगा वो कहाँ से? US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमने अमेरिका से भी पूछा है ये? जी। अच्छा जी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जी।
दूसरा ताल्लुक या यूरोप से होगा या एशिया से होगा। तो शोभा कोई ऐसा एक्टर भी हो सकता है कि कैनेडियन कैनेडियन हो, अमेरिका में काम कर रहा हो, एशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ अमेरिकन हो, एक वो भी है ना मीडिया बैरन जो ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, वो है एंड ही एक्चुअली बिकेम एन अमेरिकन। स्काई वाला? यस, स्काई न्यूज़ वाला रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक यस। इस दिन दे पाइना ने होर ओके नाम वाला पेन एंड जो रूपर्ट मर्डॉक आ गए। क्या कहने स्किल साहब, मजा आया आपके साथ। ही इज द बिगेस्ट मीडिया बैरन एट द मोमेंट। इजीली इग्नोर किया है शोभा मेरे ख्याल में। जाइए, अभी बहुत कुछ है हमारे पास जाया करने के लिए। ताल्लुक शोबेज और मीडिया से? जी। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं। 7 क्वेश्चंस। कोई डायरेक्टर, म्यूजिक भी हो सकती है, ये दो चीजें। वजह शोहरत भैया मौसीकी है? नहीं। डायरेक्शन है? जी। डायरेक्टर सर दूसरा मुल्क डिटरमिन करें आपको। हाँ, एक लम्हे में मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बताता हूँ। रोमन पोलांस्की जिंदा है? रोमन पोलांस्की नहीं सर। बहुत बड़ा डायरेक्टर। वो तू पटिया दा मुंडा, तू रोमन पोलांस्की नु जान पोलांस्की एक जो इंग्लैंड साइड है ना सर, वहाँ के डायरेक्टर्स बहुत हैं हॉलीवुड। सबसे पहले आता है क्रिस्टोफर नोलन साहब, एक सैम मेंडेस हैं सर, और एक गाय रिची साहब भी हैं सर। ये भी बड़े लोग हुए हैं सर। सर आप वो डिटरमिन करें यूके। क्वेश्चन कितने हुए अभी? 9 क्वेश्चन। एक एक करके भी तुम पहुंच जाओगे। सर आप पूछे ताल्लुक ब्रिटेन से, एक मेरे कहने पे प्लीज ये देखें। अच्छा जी, ताल्लुक ये तो वो नोलन, नोलन इज वेरी हॉट सर, ही इज बड़ा शानदार बेहतरीन। आपने यूरोप पूछना सर, इंग्लैंड का पूछ लें, और उसके बाद आपने कहना है कि इंसेप्शन का डायरेक्टर तो नहीं था बस। किसका? इंसेप्शन का। इंसेप्शन से भी बड़ी फिल्म है उसकी, वो जिसका एक शॉट सर डनकर्क की बात। डनकर्क का एक शॉट 100 फिल्मों के बराबर। डार्क नाइट तो खैर है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ताल्लुक बर्तानिया से है? जी। ये बात डार्क नाइट के डायरेक्टर हैं? जी। ओह माय गॉड सर, क्रिस्टोफर नोलन पूछा है। आपने डनकर्क देखी है इनकी? जी। आहा वाह वाह, इंटरस्टेलर भी देखी मेरे भाई ने। जी। नहीं नहीं, आपको डनकर्क का बेस्ट सीन कौन सा लगा? जो ओपनिंग सीन है। आहा बहुत अच्छे यार, आप बाद में मुझे मिले, आप तो इंटरेस्टिंग आदमी लगे। जिसमें स्ट्रैफिंग हो रही होती है समंदर के किनारे। जी 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 जी, उसी की बात कर रहे हैं ना? जी, ओमाहा बीच की। कमाल की है वो। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। वाह वाह वाह, कैफी क्रिस्टोफर नोलन सर, क्या बात है उनकी, कमाल। प्रेस्टीज, मेमेंटो, उसके बाद सर डार्क नाइट। एक मिनट चुप कर जाए, अपना ना शो शुरू कर ले, मैं डर। तो अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरहान आसिफ है। बुरहान, अपने साथ जितने लोग हैं सबका इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये है डॉक्टर मूसा, ये है मलीहा, मेरा नाम जिसे आपका मैंने बताया बुरहान है, ये है अब्दुल्ला आसिफ, एंड फाइनली हिना रजाक, और हम एक फैमिली हैं। अच्छा बुरहान साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। ताल्लुक एशिया से? नहीं जी। यूरोप से? जी। यूरोप है तो गोया मेनलैंड यूरोप? मेनलैंड जी, यूरोप से ताल्लुक नहीं है उनका। मेनलैंड से नहीं है तो गोया बर्तानिया से, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी। एक बर्तानवी जो जिंदा नहीं है, वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, ये दो चीजें। या व्हेन डिड ही डाई? चलिए, उनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं जी, 50 नहीं हुए। ऑलमोस्ट 50 इयर्स, दैट मींस अराउंड 72। Burton Russell died around that period, 1970. We have done Burton Russell. Russell, you have already done? जी। Yes. Showbiz, music. Music का बड़ा peak था 70s. John Lennon. But he died later. अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है? नहीं जी। सियासत और हुकूमत से? No. इल्म फजल से? Yeah. इल्म फजल से।
सम नॉवलिस्ट, सम राइटर, कोई फलसफी भी हो सकता है। फलसफी ज्यादातर जर्मन्स थे, ज्यादातर। ये कोई लिटरेचर लिखने वाला, कोई नॉवल निगार, कोई शायर, कोई मशहूर नसर निगार थे, यानी प्रोज राइटर थे कोई? मशहूर नहीं थे ज्यादा इस मामले में, यानी इल्मो फजल से ताल्लुक था और उनकी राइटिंग्स उनकी वजह शोहरत नहीं थी। This is what you are saying, Burhan साहब? नहीं, writings नहीं, जो उनकी prose की आप बात कर रहे हैं, वो poetry में उनकी वजह शोहरत नहीं थी उनके लिए। नसर निगार, सर उनको बता दीजिए नसर निगारी से आपका क्या मुराद? नसर निगार होता है novelist। जी जी, novelist। तो फिर नसर निगारी का Burhan साहब you should be knowing। नहीं, वो novelist ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यार, when did George Orwell die? George Orwell, उनका एक नावल तो है 1984, but he died earlier, long time हो चुका। जॉर्ज ऑरवेल नहीं हुआ, उसका तस्करा होता रहा। हो चुका सर, जॉर्ज ऑरवेल। डीएच लॉरेंस, वो भी हो चुका। He's a novelist, and novelist है मॉडर्न टाइम्स का। वो तो शर्लक होम्स का राइटर हो सकता है, आर्थर कैनन डॉयल, इयान फ्लेमिंग हो सकता है, इयान फ्लेमिंग, आर्थर कैनन डॉयल, ये दो बड़े नाम हैं जो इस दौरान। When did Bernard Shaw die? Bernard Shaw हो चुका है। हो गया। Okay. उसका पीरियड भी, E.M. Foster भी हो चुका है, by the way। इसीलिए मैं जल्दी नैरो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वो हो चुके हैं। वजह शोहरत थ्रिलर्स हैं, जस्ट स्पाई थ्रिलर्स लिखते हैं? नहीं, बाकी तो सारे विक्टोरियन एज के तो बहुत पहले अब गए थे। हार्डी क्या और डिकेंस क्या? स्पाई थ्रिलर्स में तो वो लिकार, लिकार भी है, लिकार इज गुड। कैन फॉले, कैन फॉले तो थ्रिलर्स लिखता है, फ्रेडरिक फोरसाइट थ्रिलर्स लिखता है। ये सारे बड़े राइटर्स जो है ना, उन्होंने एक साइड पे कर दिए। 11 सवाल। राइटर है जो रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, तो बहुत पुराना, या बहुत पहले का, ट्रेजर आइलैंड वन। या कौन सा नॉवलिस्ट जो थ्रिलर्स नहीं लिखता था? और दूसरा ये कि उसका क्या नाम है वो, जो यार मेरे जहन से निकल गया है, कमाल है, इसने टारजान लिखी है, टारजान सीरीज, क्या नाम है इनकी? अच्छा, हाँ वो भी एक, यार वो भी एक है, वो यार वो अनदर गाय जो बहुत मशहूर राइटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसकी स्टोरीज हैं, ट्रिलॉजी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यू डोंट रिमेम्बर? स्टोन समथिंग? नो नो नो, ये गोल्डिंग जिस तरह ना, रिंग गोल्डिंग समथिंग लाइक दैट। एक बड़ी मशहूर ट्रिलॉजी इसकी स्टोरीज पे बनी है जी। क्यों भैया? जी जी वेलकम। तो फिर हम पहुंच तो वहां पे गए हैं सर, वो टॉल्किन का नाम है कुछ। हाँ, आपने जनाब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर और हॉबिट का राइटर टॉल्किन पूछा है। जे टॉल्किन। द नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अच्छा जी, शख्सियत मर्द जी, जिंदा नहीं, एशियाई जी, तो गोया जनूबी एशिया से जी, जनूबी एशिया से तो पाकिस्तानी नो, इंडियन। तो वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 100 साल से ज्यादा जी, 100 साल से भी ज्यादा। ये आप इधर जाए ना जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो कितने 100 साल हो गए इस बात को? 1857, 150, 200 ज्यादा। क्यों जी, इंतकाल को 200 से ज्यादा हो चुके हैं जी। 200 साल से भी ज्यादा, तो बहुत पुरानी शख्सियत को 500 साल पे जाए। मजहब का भी, पहले तो एरा पे जाए ना जी, और उसके बाद फिर हम धर्म पे जाएंगे, पहले एरा। अगर तो 500 साल से उरे उरे है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इज अ मुस्लिम। जो जो आगे जाती जाएगी बात, नॉन मुस्लिम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंडिया है तो फिर हिंदुइज्म मोस्ट प्रोबेबली वो। अच्छा जी, इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका नहीं, एरा, एरा पे जाइए,
मुगल्स का एरा डेफिनेटली, बादशाह मुस्लिम पहले पूछ ले मेरे ख्याल में ना, मुसलमान थे क्या जी? नहीं, हमसे बादशाह क्यों पूछेंगे? वो मुगल फरमान रवा क्यों पूछेंगे? बादशाह बनने कोई है जो? कोई सूफी सेंट हो सकता है, मुजद्दद अल-फसानी, शाह वलीउल्लाह तो हो चुका है, अमीर खुसरो तो हो चुके हैं डेफिनेटली, शाह वलीउल्लाह आई एम नॉट, शाह वलीउल्लाह नहीं। कोई मजहबी शख्सियत? नहीं नहीं। फिर वही सियासत और हुकूमत? इल्म व फजल से कोई ताल्लुक? कोई राइटर, अबुल फजल फैजी? दैट कुड बी। नौ रत्नों में से? तो इल्म व फजल से ताल्लुक नहीं, सियासत ही है फिर। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक जी। क्वेश्चंस कितने हुए? 13 सवाल। कोई दारा शिको ना पूछाओ। दारा शिको हो सकता, मुगलिया खानदान से ताल्लुक? ये पूछना चाहिए। यस, ताल्लुक मुगलिया खानदान से है? नहीं। वाह, ये फिर उनके कोई जर्नैलों में से, उनके कुछ सिपा सलारों में से? 500 से कम है ना आपने कहा? जी सर, 500 से कम, 200 से ज्यादा। तो ये किस ईयर से बनता है? 1500 के बाद और 1800 से पहले, यानी 1526 में मुगल बाबर आया। बाबर आया, थोड़ा सा इधर आए तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे ना, कोई मिडिल में आए। हम ये डिटरमिन अगर कर लेना कि किस मुगल बादशाह के दौर की शख्सियत, इट वुड बी मच इजियर फॉर अस। सही, दरबारी है, नौरत्नों में से है, सिपा सालार है, कोई अदीब है, शायर है, राइटर है, मौर्रख है, म्यूजिशियन है, हमें पता चल जाएगा ना कि एरा एग्जैक्ट, हम जी फोकस्ड होंगे उस वक्त, इस वक्त हम डीफोकस्ड हैं। लोग दरबार अकबरी, सही क्या कहते हैं? मुगलिया दौर की कोई शख्सियत? ऑब्वियसली मुगलिया दौर तो मुगलिया है, आखिर 57 तक मुगलिया दौर है। इसको कोई इस तरीके से करें कि आपको एक क्वेश्चन, कितने हुए जी? 14 क्वेश्चंस। 14? कोई हिस्टोरियन तो नहीं? हिस्टोरियन अबू कासिम फरिश्ता है। बरनी? बरनी है तो पहले की शख्सियत है फरिश्ता तो, और वो कह रहे हैं इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, सियासत और हुकूमत से। हाँ, लासी के आसपास आइए, नवाब सिराजुद्दौला। 1750s बंगाल। 1757 लासी। लेकिन अकबर से शुरू ना किया जाए, दौरे अकबरी के बाद की शख्सियत है जी। लो जी, हमने वो सारे नौ रत्न क्लियर कर लिए, बाद का दौर आ गया, अब ये बंगाल की तरफ बात जाती है। वाह, सिराजुद्दौला की तरफ। 15 सवाल। टीपू सुल्तान भी तो हो सकता है? नहीं, टीपू सुल्तान इज टू ऑब्वियस, व्हाई वुड दे, अगर जाना भी होता तो हैदर अली की तरफ जाते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, मुगल नहीं है तो इसका मतलब बादशाह नहीं है, गवर्नर हो सकता है, कोई इलाकाई हुक्मरान हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे नॉन मुगल्स थे ऐसे, हम नवाब जैसे अवध का वो जो है, एक गुलाम कादर रोहिला भी था हाँ, जिसने मुगल बादशाह की आंखें निकलवा दी थी, जाफर सादिक, क्योंकि इनका सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था। यस, और सादिक थोड़ी देर के लिए हुक्मरान बना था आफ्टर टीपू सुल्तान फॉर अ फ्यू डेज एंड ही वाज मर्डर्ड। तो ये फिर क्वेश्चन बनता है ना, मैसूर से ताल्लुक, दोनों कवर हो जाएंगे, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी और सादिक भी। सादिक भी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैसूर से ताल्लुक नहीं। So how many questions? 16 questions. बंगाल हमारे सामने है, बंगाल की बहरहाल दो शख्सियात तो है ना अहम, ताल्लुक बंगाल से नहीं। नो, 17 questions. ये रौसाए अवध जो थे, वाजिद अली शाह, ये क्या एरा क्या है इनका? ये तो बात की I think they are after that. लखनऊ एंड वो तहजीब जो है, अकबर के बाद काबिले जिक्र एरा जो है वो औरंगजेब आलमगीर है, इवेंटफुल एरा वो है, क्योंकि अकबर के बाद ना ऑलमोस्ट ब्लैकआउट है ये दोनों बादशाह जो है,
औरंगजेब आलमगीर, बड़ा इवेंटफुल दौर। तीन सवाल बाकी। मैसूर नहीं है, बंगाल नहीं है, अवध नहीं है, बहावलपुर नहीं है, पंजाब, पंजाब में तो सिखों से पहले, महाराजा रंजीत सिंह से पहले कोई काबिल ज़िक्र, और वो तो बहुत बात की शख्सियत। ये पीछे जाएं आप, जंगे प्लासी से और पीछे जाएं, क्योंकि प्लासी के बाद तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था ना, और आपने मैसूर करके रूल आउट कर दिया, ये सारे निकल गए। राइट, पीछे जाइए, ये इलाका कोई मुस्लिम स्टेट, मुसलमान रियासत, ये यूपी का इलाका, ये अवध और इसके आसपास, आगरा इज यूपी, प्योर यूपी, आगरा इज यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी की सरहद पे वाक़ है, और इधर राजस्थान की जयपुर, फतेहपुर सीकरी जयपुर, और इधर सीधा दिल्ली, दिल्ली, ये किसी रियासत के फरमारवा थे, फरमारवा हुक्मरान जी। भाई वी आर क्लोज, सो एनीबडी एक्सेप्ट द मुगल्स, एक्सेप्ट द मुगल्स, एंड देयर आर सो मेनी, और ये मुसलमान शख्सियत, मुसलमान शख्सियत है। मुझे कंफ्यूज कर रही है आपने जो मैसूर का ना, मैसूर करके आपने, हाँ, आपके क्वेश्चन ने थोड़ा सा डैमेज किया है। ये इन हाउस अक्सर वक्त डालता है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑब्वियस, सिंपल है। कोई ऐसा हुक्मरान जिसकी मुगलों से कोई लड़ाई हुई हो? मुगलों से लड़ाई सिर्फ सिक्स की होती थी, मरहटाज की होती थी, रोहिलाज की होती थी, बाकी, लेकिन जनूब की स्टेट्स जो थी वहाँ औरंगजेब ने की, वो भी मुस्लिम्स थे। जनूब, बीजापुर आई थिंक वाज वन ऑफ देम। हाँ, आपका उधर नहीं ध्यान जा रहा, दक्कन, हैदराबाद दक्कन, द निज़ाम, दक्कन मेरे, और औरंगजेब का दौर। यस, एंड ही वाज औरंगजेब्स फ्रेंड, नॉट दुश्मन। लेकिन टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी उसमें निजाम वो तो सपोर्ट किया, वो तो मजबूरी बन गई ना निजाम की, कि उसको सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो चढ़ते सूरज को भी तो उन्हें देखना था ना। एक सेकंड जी, हमारे सवाल कितने हैं जी? 18 questions. एक क्वेश्चन हम इस पे जाया कर सकते हैं, जाया नहीं है, क्योंकि वी आर क्लोज, दिस इज तेलंगाना, इफ यू नो व्हाट आई मीन, हैदराबाद दक्कन, दिस इज दक्कन एंड द निज़ाम ऑफ दक्कन, और ये औरंगजेब का बड़ा हलीफ था, बड़ा करीबी उसका, बड़ा दोस्त, और ये उसकी अतात थी ये जागीर, और इनकी बहुत बड़ी सर्विसेज हैं जिनसे हम इस्तेफादा आज भी कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट, हु फाइनेंस्ड द प्रोजेक्ट ऑफ फरंगे आसफिया, हैदराबाद दक्कन, द निज़ाम ऑफ दक्कन, एंड व्हाट अबाउट बहावलपुर, और उसका नाम था आसिफ जा, फरंगे आसफिया, जी जी जी, आसिफ जा, बिल्कुल, मैंने एक करेक्टर भी किया हुआ, आपने करवाया था मुझे जी, कोई हवेली भी है, और है आसिफ जा हवेली, आसिफ जा, आसिफ जा बथेरे हैं, बट दिस गाय, हमारे पास अब दो क्वेश्चंस रह गए। लेकिन ये जो स्टेट है हैदराबाद दक्कन, ये भी जब मुगल्स वीक हुए तो वो स्टेट बनी ना, औरंगजेब, ये औरंगजेब का वो है मामला, और एग्जैक्टली आपके उसी एरा को कवर करती है। हमें दो क्वेश्चंस हैं, बड़े फ्रुगल्टी का मुजाहरा करना है, हम नैरो डाउन करें ना जी, दक्कन है हमारे पास एक, दूसरी कोई शख्सियत नहीं। गुलाम कादर रोहिला, रोहिला एक्चुअली डज नॉट फिट इन द पिक्चर, वो जो एक पॉपुलर नेम है ना, निज़ाम दक्कन तो एक मुहावरा है, बहुत बड़ा नाम है इनका, हैव यू आस्क्ड दक्कन? नो यार, एक क्वेश्चन करें जिससे दो तीन मकासद हल होते हैं, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, तो ये मैंने अर्ज किया ना कि उसी के हुक्मरान थे, बहावलपुर भी हो सकता है और हैदराबाद दक्कन भी हो सकता है, बहावलपुर भी हो सकता है, हैदराबाद दक्कन, लेकिन बहावलपुर इज अ लेटर स्टेज, वो पुरानी नहीं है। अगर बहावलपुर होता तो ये इंडिया क्यों कहते हैं कि ताल्लुक इंडिया के साथ, कि पाकिस्तान ना कहते, सही कहते कि कह सकते हैं, कह सकते, ये तो मुझे 100% श्योर है कि ये औरंगजेब के फौरन बाद ये, और ये भी कहा जाता है कि किसी ने उनको दुआ दी थी कि तुम 7 नस्लों तक हुकूमत करो, तो जो लास्ट था निज़ाम उस्मान,
सातवां हुक्मरान था। वाह। ये प्रिंसली स्टेट इस वक्त इंडिया का हिस्सा है जी। आखिरी सवाल, सवाल वी आर देयर अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने पाकिस्तान को फॉर्मेशन के बाद सपोर्ट किया था, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, वो तो सपोर्ट तो किया, लेकिन ये जो शख्सियत पूछ रहे हैं तो पहले की है ना सर? मैं रियासत की बात, रियासत का, दैट्स राइट, मैं रियासत, yes. क्योंकि निजाम ऑफ दक्कन ने तो आपकी पहली तनख्वाहें दी थी, दूसरी तनख्वाहें आपकी, तीसरी चौथी तनख्वाहें, फिर बहावलपुर एंड हबीब बैंक। इन्होंने ये कहा कि वो स्टेट अब इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा जी, जनूबी रियासत इंडिया, निजाम ऑफ दक्कन। हमारे पास और चॉइस कोई नहीं, ताल्लुक दक्कन से है जी। आपने निजाम दक्कन पूछा, निजाम दक्कन वन, यस। क्या कहने, निजाम ऑफ दक्कन। सो हियर्स विद दिस वंडरफुल एंडिंग ऑफ द वीकेंड, ये थी आज के एपिसोड, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।